बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जी। आज का जो हमारा टॉपिक है कि दुआ की कबूलत का वक्त कौन सा होता है। अगर बंदे को पता चल जाए कि दुआ की कबूलत का वक्त कौन सा है, तो बंदा सारे काम काज छोड़ कर अपने उस वक्त को, अपने उस टाइम को माले गनीमत जानेगा और अपने लिए खूब अल्लाह पाक से दुआएँ करेगा। तो ये वीडियो इसी टॉपिक ऊपर है कि वो टाइम कौन सा है, वो वक्त कौन सा है जिस टाइम दुआ क्या ज़्यादा कबूलियत का चांस होता है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इंशाल्लाह से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह से आइंदा भी आपको इसी चैनल के ऊपर इस्लामी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब बंदा दोनों हाथ मेरी बारगाह इलाही में दुआ के लिए उठाता है, तो मुझे शर्म आती है कि मैं उस बंदे के हाथों को देखकर उसको खाली हाथ लौटाऊँ। तो आपने कभी भी मायूस नहीं होना, इंशाल्लाह से आपने दुआ ज़रूर करते रहना है। और क्योंकि अल्लाह ताला ही हमारी दुआओं को सुनने वाला है और हमारी ख्वाहिशात को, हमारी जो हाजत होती हैं वो ही पूरी करने वाला है। इसमें एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आपने कबूलियत पर आपने यकीन भी रखना है। जब आपने दुआ करनी है तो दुआ के बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन रखना है, क्योंकि वही कारसाज है, वही हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखो और जान रखो अल्लाह ताला दुआएं बेशक ज़रूर कबूल करता है, लेकिन अगर हम गफलत में दुआ करेंगे, अगर हम दिल से नहीं करेंगे, यानी कि हम बेदहानी में करेंगे, जो एक 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 बंदे की लगन से चीज़ अल्लाह पाक से मांगें, अपने दिल और दिमाग को यकजा होकर दुआ करें, इंशाल्लाह से आपकी दुआ ज़रूर कबूल होंगी। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि वो दुआ का टाइम कौन सा है, वो वक्त कौन सा है जिस टाइम आपको और मुझे सारे अपने काम काज छोड़ कर अपने लिए खूब दुआएं करनी चाहिए, वो वक्त कौन सा है। वो वक्त ये है, अजान जब होती है, अजान के बाद आपने जो भी आपके दिल की ख्वाहिशात हों, आपके हाजात हों, आपने अपने लिए ज़रूर दुआएं करनी है, क्योंकि अजान के बाद कबूलियत का वक्त होता है। अगर ये आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से ताकि किसी और का भी भला हो सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह से आपको आइंदा भी इसी चैनल के ऊपर वीडियोस मिलते रहेंगे।